एक बार दो दो साल में एक एक बार में एक तीसरा बार में ये अंतर है वो बीच में अंतर पड़ती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वही बिहार विधानसभा में भी कई नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा के एक कार्यकाल में मुख्यमंत्री का 3 बार शपथ ग्रहण का रिकॉर्ड बन चुका है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर भाजपा के नंदकिशोर यादव के बैठते ही दूसरा रिकॉर्ड बन गया। आपको बता दें कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले 3 अध्यक्ष बने हैं। तीसरा, अब सदन की कार्यवाही के समय एक साथ 3 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। 12 फरवरी को पदस्थ हुए आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के अलावा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इसी अवधि में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। गुरुवार को यह तीनों अध्यक्ष एक साथ नजर आए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर चुटकी ली है। बता दें आपको कि कार्यकाल के लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा का रहा है। वो 25 अप्रैल 1946 से 14 मार्च 1962 तक अध्यक्ष रहे। उन्हें आजादी से पहले और बाद का मिलाकर करीब 16 साल का कार्यकाल मिला। दूसरे नंबर पर है उदय नारायण चौधरी। ये 2 कार्यकाल 30 नवंबर 2005 से 28 नवंबर 2015 तक अध्यक्ष रहे। आजादी के पहले रामदयालु सिंह का कार्यकाल 7 साल 111 दिन का था। यह 23 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1944 तक अध्यक्ष थे। 9वीं विधानसभा की कार्यविधि में 2 अध्यक्ष हुए, पहले शिवचंद्र झा और दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला खान। खान का कार्यकाल महज 1 साल का रहा। अब तक के विश्व अध्यक्षों में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। कम कार्यकाल वाले अध्यक्षों में अवध बिहारी चौधरी दूसरे नंबर पर है। यह 1 साल 170 दिनों तक अध्यक्ष रहे। 17वीं बार विधानसभा की कुछ और विशेषताएं हैं। इसमें पहली बार 2 उपमुख्यमंत्री बैठ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हैं। इससे पहले भी कई पूर्व मुख्यमंत्री सदन में मौजूद रहे हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा में अध्यक्ष के साथ 3 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एक साथ बैठे हुए नजर आए। बता दें आपको किसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुटकी ली और क्या कुछ कहा था, इसकी तो सारी जानकारी हमने आपको पहले दी। और इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।